वो है वर्ड सेंथेसिस, वर्ड्स सेंथेसिस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पास्ट पेपर में काफी दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। याद रखिए ये क्या है, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पास्ट पेपर में बड़ी दफा बहुत दफा ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आ चुका है। तो वर्ड सेंथेसिस में होता है क्या, आपने अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाना होता है सोडियम के साथ इथर की मौजूदगी में, सही है। तो हमारे पास यह क्या होता है जी, अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद ईथर, या फिर इसे रिएक्टेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, सोडियम इन द प्रेजेंस की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, इस चीज को हम नाम दे रहे होते इज कॉल्ड वर्ड सेंथेसिस। इसको क्या नाम दे रहे होते हैं, वर्ड सेंथेसिस का नाम दे रहे होते हैं। अब यहां पे ना रिएक्शन जो बात मैंने ऊपर कही है वही हमने यहां पे करना है। देखो मैंने अल्काइल हैलाइड लेना है पहले नंबर पे, ये वाली चीज मेरे पास है अल्काइल हैलाइड CH3 CH2 Cl, मैंने रिएक्शन करवाना है सोडियम के साथ। बेसिकली मैंने ना दो अल्काइल हैलाइड लेने, मैं दो लिखने यहां पर इस तरह लिखने के बजाय ना यहां पर दो लिखने के बजाय मैं क्या करता हूँ दोनों को अलग अलग लिख लेता हूँ, इससे क्या होगा आपको समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। मैंने एक Cl यहां पर लिखा CH2 CH3, अब इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी हमारे पास इथाइल क्लोराइड है और ये भी हमारे पास क्या है इथाइल क्लोराइड, दोनों में कोई फर्क नहीं है। सो अब यहां पे होगा क्या, ये वाला जो सोडियम होगा ना एक सोडियम एक क्लोरीन से मिलेगा जबकि दूसरा सोडियम दूसरी क्लोरीन से मिलेगा, ये वाली चीजें आपस में मिल जाएंगी और क्या बना देंगी NaCl, और ये काम हो रहा था इथर की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में हो रहा था इथर की मौजूदगी में। तो हमारे पास ये वाले दो कार्बन और ये वाले दो कार्बन आपस में मिलते हैं और ये वाली चीजें आपस में मिल जाती हैं, जिसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है CH3CH2CH2CH3 और इसके साथ हमारे पास मान रहा होता है टू एन ए सी एल। ये हमारे पास है वर्ड सेंथेसिस। अब इसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन हमने बात करनी है वो है रिएक्शन विद अल्काइल हैलाइड, रिएक्शन विद, क्योंकि अल्काइल हैलाइड का सॉरी हमने रिएक्शन करवाना है किसके साथ करवाना है, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, हाइड्रोजन हैलाइड। देखो हाइड्रोजन हैलाइड की अगर बात करूं तो पहले नंबर पे वर्ड हाइड्रोजन है, इसको आप सिंपली अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो आप HX भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो HX, ये वाली चीज हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड है, ये क्या हमारे पास हाइड्रोजन हैलाइड। अब ये वाला रिएक्शन हम करवाते हैं कि कोई भी अल्काइल हैलाइड हो उसको हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करवाओ, किसकी मौजूदगी में, जिंक की मौजूदगी में, ये बात याद रखनी है। अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद हाइड्रोजन हैलाइड। अल्काइल हैलाइड जो है ना ये हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस की मौजूदगी में, किसकी मौजूदगी में करेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल, और इसके नतीजे हमारे पास जो चीज बनती है इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनेगा एंड फॉर्म अल्केन, और ये क्या बना देते हैं अल्केन बनाते हैं। जरा गौर कीजिए हमारे पास ये वाली चीज है अल्काइल हैलाइड CH3 CH2, और यहां मैं कोई X लगा देता हूं, इसका रिएक्शन करवाया किसके साथ HX के साथ, किसके साथ करवा दिया HX के साथ, और करवाया किसकी मौजूदगी में, जिंक मेटल की मौजूदगी में। चलिए मैं जिंक को भी साथ इस तरह बेशक लिख लो या आपकी अपनी मर्जी है जिस तरह लिखना चाहते हैं, जिंक मेटल की मौजूदगी में ये रिएक्शन करवाया। अब होता यह है कि ये वाला जो जिंक है ये इसके साथ मिल जाता है और ये वाला जिंक इसके साथ मिल जाता है, क्या बन जाएगा ZnX2, क्या बन जाएगा ZnX2, और इसके साथ हमारे पास जो चीजें बनी होती है यहां पर CH3 है, इसके साथ सिंगल बॉन्ड आएगा, ये वाला हाइड्रोजन उतर के इसके साथ आगे जुड़ जाता है और इसके नतीजे हमारे पास CH3 बन रहा होता है, क्या बन रहा होता है CH3। अब इसके बाद अगर देखा जाए, अगर मैं इसकी जगह पर प्रॉपर एग्जांपल लिखूं, यहां पे क्या करो CH3 CH2 Cl कर लो या ब्रोमीन लिख लो, जो एक्स यहां पे लिखोगे वही एक्स आपको यहां पे लिखना पड़ेगा,
सही। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ HCl ले लेता हूँ और साथ में रिएक्शन करवा देता हूँ जिंक डस्ट के साथ। तो होता क्या है कि जिंक दो क्लोरीन के साथ मिलेगा, क्या बना देगा ZnCl2। और ये वाली चीज और ये वाली चीज सॉरी ये वाली चीज और ये वाला हाइड्रोजन आपस में मिलेगा, हमारे पास बना देंगे इथेन ही बनाएंगे। ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, आप ना ये वाला रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 8 के अंदर, कहाँ पे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन में, वहां पे कुछ हेडिंग इस तरह थी रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड अलग चीज है। ये क्या हमारे पास रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड, मतलब हम यहां से एक एक्स को निकालते हैं, इसकी जगह पे एच आगे लगता है और हाइड्रोजन के एडिशन को हम नाम देते हैं रिडक्शन का। क्या नाम दे रहे हैं? रिडक्शन का नाम दे रहे हैं। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन मौजूद है, ये है रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। नेक्स्ट क्या हमारे पास रिएक्शन विद सोडियम लेड अलॉय। सोडियम लेड अलॉय देखोगे ना, तो आपने ना चैप्टर नंबर 7 में एंटी नोकिंग एजेंट पढ़ा हुआ है। पहले मैं थोड़े से इंट्रोडक्शन लो, चैप्टर नंबर 7 में एंटी नोकिंग एजेंट पढ़ा हुआ है, वहां पे आप कहते हैं TEL और TML इज यूज्ड एज एंटी नोकिंग एजेंट, एंटी नोकिंग एजेंट, मतलब ये वाली चीज एंटी नोकिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रही होती है। अब TEL से और TML से क्या मुराद है? TEL से मुराद है टेट्रा इथाइल लेड, और TML से क्या मुराद होगा? टेट्रा मिथाइल लेड। अब इन दोनों को TEL और TML को हम तैयार किस तरह कर रहे होते हैं? वो इस तरीके का से हम सोडियम एल्यूमिनियम अलॉय का रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम लेड अलॉय का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। देखो अगर मैं इसकी फार्मूले की बात करूं सोडियम लेड अलॉय की, इसका फार्मूला दे NA4, क्योंकि सोडियम में सोडियम का सैंपल होता है Na4PB, ये हमारे पास का सैंपल है, ये बात याद रखिएगा। अब देखो मैंने रिएक्शन करवाने को जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे मैंने ये वाला कंपाउंड लिया CH3CH2, यहाँ पे लगा हुआ है Cl, इसका रिएक्शन करवा दिया Na4PB, और जैसे रिएक्शन करोगे देखना यहाँ से एक सोडियम उतरेगा, एक क्लोरीन के साथ मिलेगा, क्या बन जाएगा? NaCl। देखो कितने सोडियम है यहाँ पे? 4। सो मैं यहाँ पे ये वाली चीज कितनी लूंगा? 4, क्योंकि 4 क्लोरीन मिलेंगे तो हमारे पास कितने बन जाएगा? 4 NaCl। बाकी क्या बच गया? बाकी बचा जी हमारे पास इथाइल ग्रुप और PB। ये 4 इथाइल ग्रुप PB के साथ जाके जुड़ जाते हैं और जो प्रोडक्ट बनता हुआ था CH3 CH2 4, और आगे आ जाएगा PB। क्या आ जाएगा? PB। अब देखो जी 4 इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज टेट्रा इथाइल, साथ में लगा हुआ लेड। अगर इसकी स्ट्रक्चर देखोगे ना, दरमियान में लेड होता है PB, इसके एक साइड पे CH2 CH3 लगा होता है, दूसरी साइड पे CH2 CH3 लगा होता है, तीसरी साइड पे CH2 CH3 लगा होता है, चौथी साइड पे भी CH2 CH3 लगा होता है, इसी वजह हम इसको नाम दे टेट्रा इथाइल लेड। अब आपको टेट्रा मिथाइल लेड का पता चल गया होगा ऑलमोस्ट। देखो यहां पे हमने क्या लिया था? इथाइल क्लोराइड लिया था, तो हमारे पास बना टेट्रा, सॉरी इसके नीचे लिख लो टेट्रा इथाइल लेड। अगर मैं यहां पे इथाइल की जगह पे मिथाइल ले लू, मसलन CH3Cl, और इसका रिएक्शन करवा दो Na4 PB के साथ, तो प्रोडक्ट विल बी हमारे पास बनेगा CH3 4 PB और साथ में 4 NaCl, और ये वाली चीज़ हमारे पास कहलाती है टेट्रा मिथाइल लेड। ये क्या कहलाती है? टेट्रा मिथाइल लेड। सही। अगर इसकी थोड़ी बहुत वर्डिंग लिखना चाहते हैं तो व्हेन अल्काइल हैलाइड इज रिएक्टेड विद सोडियम एल्युमिनियम अलॉय इट फॉर्म टेट्रा इथाइल लेड और टेट्रा मिथाइल लेड। सही है। तो पहले इसकी वर्डिंग लिखो, व्हेन
इथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड इज रिएक्टेड विद, इज रिएक्टेड विद, जब इथाइल क्लोराइड रिएक्ट करती है रिएक्टेड विद सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय, सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय, जब ये सोडियम एल्यूमिनियम एलॉय के साथ रिएक्ट करती है देन इट फॉर्म टेट्राइथाइल, टेट्रा इथाइल लेड, तो ये टेट्राइथाइल लेड को पैदा कर रही होती है भाई, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये था जी हमारे पास सम अदर रिएक्शंस ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिनमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों वर्ड सेंथेसिस है, पास्ट पेपर में बड़ी दफ़ा पूछा जा चुका है, और वर्ड सेंथेसिस का ना एक रिएक्शन चैप्टर नंबर 9 में पढ़ चुके हैं, किस तरह का चैप्टर नंबर 9 में बेंजीन वाले में, वो आपने करवाया था इस तरह, अगर याद हो थोड़ा बहुत, एक बेंजीन रिंग ली थी उसके ऊपर लगा हुआ था क्लोरीन, 2Na के साथ रिएक्शन करवाया था, और यहाँ पर एक और हमारे पास जो कंपाउंड था वो था जी CHCl इथाइल क्लोराइड, अगर याद हो सही है, ये वाली क्लोरीन भी उतरती थी, ये दो सोडियम के साथ मिलती थी और 2NaCl बन जाता था, और ये दोनों चीज़ें आपस में जुड़ जाती थी, जिसकी वजह से हमारे पास अल्काइल बेंजीन बनती थी, कौन सी बनती थी अल्काइल बेंजीन, साथ में 2NaCl बन जाता था, ये वाला वर्ड सेंथेसिस आपने वहाँ पढ़ा हुआ है। अगर तो आपको पेपर में पूछता है कि हाउ वी कैन प्रिपेयर डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन बाय वर्ड सेंथेसिस या अल्काइल बेंजीन बाय द प्रोसेस ऑफ वर्ड सेंथेसिस, तो आप ये वाला रिएक्शन लिखोगे। अगर सिंपल पूछा व्हाट इज वर्ड सेंथेसिस बच्चा, अगर सिंपल वर्ड सेंथेसिस पूछे तो आपने हमेशा रिएक्शन यही लिखना है, अगर वो भी लिख दोगे गलत नहीं होगा, लेकिन खुसूसन आपने कोशिश करनी है कि हमेशा रिएक्शन कौन सा लिखो, ये वाला वर्ड सेंथेसिस वाला। तो यही हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।